Welcome to Bind EduTech, and this is a continued video lecture in which we were discussing about the background of chapter number 8 in Hornbill. The chapter's name is Silk Road and written by Nick Middleton. ऑथर के बारे में, निक मिडिल्टन के बारे में हमने जाना, एक एडवेंचरर के रूप में उनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं. ही लव एडवेंचर्स, और एडवेंचर वर्ड के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि कोई ऐसा साहसिक काम जिसको करने में जान जाने का भी खतरा हो, फिर भी अगर वो आप करते हैं तो ऐसे काम को ना एडवेंचर बोला जाता है. जैसे एक कॉमन एग्जांपल में तुम लोग ले लो, सुना होगा अगर तुम लोग, स्काई डाइविंग करते हैं लोग. स्काई डाइविंग ना, ऊंची चोटी के पहाड़ी से या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह से या इनफैक्ट प्लेन से भी स्काई डाइविंग करते हैं, आसमान में डाइव लगाते हैं. मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने ऐसा वीडियो, ऐसा सीन ज़रूर देखा होगा स्काई डाइविंग का. तो वो स्काई डाइविंग को हम बोल सकते हैं कि वो एक एडवेंचर है. साहसिक काम तो है ही, और जान जाने का तो उसमें पूरा खतरा है. पैराशूट खुला नहीं खुला टेक्नोलॉजी का बात है, पर फिर भी लोग करते हैं. क्यों? क्योंकि वो स्वभाव से एडवेंचरस होते हैं, उनको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में मज़ा आता है. तो निक मिडिल्टन जो हमारे ऑथर हैं, जिन्होंने सिल्क रोड के थ्रू एक जर्नी किया है, वो बताते हैं कि कितना कठिन परिस्थिति से गुज़रना पड़ता है ऐसे ट्रैवलिंग में. जिसमें एग्जांपल लास्ट पैराग्राफ में, मैंने लास्ट वीडियो में यही पैराग्राफ था, इसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल है कि इतने एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं कि स्टीमिंग रॉक्स पे सोना पड़ता है और आईसी रात होने के बाद, आईसी मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड जगह पे रात बितानी पड़ती है. कोई ठोस छत नहीं होता अपना, जो ट्रैवलर लोग जो अपना कैंप वगैरह ले जाते हैं कैंपिंग करने के लिए, वही सब सिर्फ रहता है, और उन्हीं के सहारे वो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस करते हैं सक्सेसफुली, और तब जा करके वो इन एक्सपीरियंसेस को ट्रैवल बुक्स में लिखे हैं, जिस ट्रैवल बुक का नाम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं. और उस ट्रैवल बुक से बहुत छोटा सा एक पार्ट, परसेंटेज के रूप में अगर मैं कहूँ तो 5% शायद पूरा बुक का, 5% ज़्यादा से ज़्यादा या उससे भी कम सिल्क रोड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है. पूरा बुक है वो. यहाँ पे ऑथर को, ऑथर का प्रेज किया गया है, उसको उसकी तारीफ, उसकी हिम्मत
के लिए उसको प्रेज़ किया गया है कि वो एक ब्रिलियंट एडवेंचर राइटिंग करता था, ब्रिलियंट एडवेंचर राइटर था वो। और ये लाइन लास्ट में जो निक मिडिल्टन को कॉमन मैन से अलग स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरली टैलेंटेड कैटेगरी में ले आता है, ये बात जो लिखा हुआ था जो हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था कि वो एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने उन जगहों पे जाने का साहस दिखाया जिस जगह पे हिस्ट्री मतलब हिस्टोरियंस जो होते हैं इतिहासकार उनको भी जाने से डर लगता है। तो एक वर्ड इस ऑथर के बारे में पढ़ाते समय एक वर्ड यूज़ किए थे हम, एक्सप्लोरर। तो यही हुआ ना, एक्सप्लोर करना, ऐसे जगह पे जाना जहाँ किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही हो कभी जाने की। तो ही वॉज अ डेयरिंग एक्सप्लोरर, और जिसमें इतना डेयरिंग हो वो व्यक्ति तो कैसे भी एडवेंचर पे जा सकता है, जैसा इन्होंने किया है। बहुत सारे एडवेंचर्स पे गए हैं, 7 ट्रैवलिंग बुक्स इनका लिखा हुआ जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं। तो इसके सम्मान में, निक मिडिल्टन के सम्मान में ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को तुमको नोट करके याद रखना चाहिए, कहीं ज़रूरत पड़े तो ये स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे तो बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट, बहुत वेटेज रहेगा आपके आंसर में कि निक मिडिल्टन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतना साहस दिखाया कि जहाँ पे इतिहासकार नहीं जाने से जहाँ डरते थे, वहाँ जा कर के उन्होंने वहाँ की परिस्थितियों को अपने ट्रैवलिंग बुक्स में लिखा। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है निक मिडिल्टन के लिए। तो इसके बाद फिर यहाँ हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है। चैप्टर के बारे में पढ़ने जब हम लोग बैठे तो एक बुक का नाम आया कि उस बुक का एक हिस्सा है, ठीक है। और फिर सिल्क, एंशियंट सिल्क रोड के बारे में कुछ कुछ बातें यहाँ बताई गई कि वो रोड सबसे डेंजरस रोड्स में से क्यों है, अर्थ पे सबसे डेंजरस डिफ़िकल्ट रूट में से एक है, क्यों वो यहाँ पॉइंट वाइज करके आपको बताए थे। और उसके बाद फिर ये पैराग्राफ हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग सिल्क रोड का थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, जैसे ईयर वाइज इतिहास में ये सिल्क रोड कब शुरू हुआ, किसने बनाया, कितने सालों तक चला। अभी तक मैंने प्रीवियस वीडियो में हर बार आपको ये बात बोली है कि आगे फर्दर वीडियो में हम लोग वो ईयर वगैरह भी देखेंगे कि किस साल से किस साल तक ये यूज़ किया जाता था, है ना, क्या ज़रूरत पड़ा था इसको बनाने का। तो वो सब हम लोग सिल्क रोड के हिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये नोट्स हैं, चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ है।
चैप्टर तो टेक्स्ट बुक से शुरू करेंगे, लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ों को जानने से आपको एक तो चैप्टर समझने में आसानी होती है और दूसरा कि आपके पास बाकी लोगों से, जिन लोगों ने सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू कर दिया सिर्फ और टेक्स्ट बुक में लिखे हुए बातों को वो समझते हैं अच्छे से, वो आंसर्स में लिखते भी हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक के पहले से एक जो भूमिका जो तैयार होता है जिसको हम लोग बैकग्राउंड बोलते हैं, तो अगर आप बैकग्राउंड भी पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका वेटेज बैकग्राउंड नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा रहेगा और इसका फ़ायदा आपको अपने चतुराई से उठाना होगा। जहां मौका मिले जिस आंसर में, उसमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं, लिखें जो हमने बैकग्राउंड में पढ़ा हो और जो उस आंसर के लिए रिलेवेंट हो। सिर्फ चैप्टर में नहीं, बैकग्राउंड में भी पढ़ रखा हो उसको, तो वहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है। बैकग्राउंड, अभी बैकग्राउंड में हम लोग अब सिल्क रोड का जो ओरिजिन है, कब हुआ, कौन किया, इसका नाम कौन रखा, वगैरह वगैरह वगैरह, अब फैक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको मैं फैक्ट्स बोलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला लाइन में लिख रहा है कि सिल्क रोड वॉज अ नेटवर्क ऑफ एंशियंट ट्रेड रूट्स। ये तो पहले से भी हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि सिल्क रोड इज नॉट अ सिंगल रोड, ठीक है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ एंशियंट ट्रेड रूट्स। ये सब वर्ड्स पहले भी यूज कर चुके हैं कि सिल्क रोड मेनली जो था वो व्यापार करने के लिए बनाया गया था, व्यापार करने के लिए, तो उसको ट्रेड रूट बोलता है। और ये एक रूट नहीं, एक कोई रोड नहीं था, नेटवर्क था पूरा, मतलब मल्टीपल्स ऑफ रूट्स वर पार्ट ऑफ सिल्क रोड। बहुत सारे रूट्स जो थे वो सिल्क रोड के हिस्से थे। तो ये पहला जानकारी दिया गया कि नेटवर्क है, ठीक है, ट्रेड रूट, एंशियंट ट्रेड रूट का ये जानकारी पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। उसके आगे बताया है कि इसको इस्टैब्लिश किसने किया है। यहाँ लिखा फॉर्मली इस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द हान डायनेस्टी ऑफ चाइना। अब ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, नोट करना चाहिए, दिमाग में बिठा के रखना चाहिए कि ये जो एंशियंट ट्रेड रूट का नेटवर्क था जिसको सिल्क रोड एक नाम दे दिया गया, ये इस्टैब्लिश कब हुआ था, ये हैन डायनेस्टी चाइना, जिस समय चाइना में हैन डायनेस्टी का रूल हुआ करता था उस समय ये रोड इस्टैब्लिश हुआ था। तो हैन डायनेस्टी आपको याद रखना होगा, चाइना याद रखना होगा और ईयर याद रखना होगा जो यहाँ लिखा है 130 BCE। अब यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हम लोग ईयर्स को जब जो पढ़ते आते हैं स्कूल्स में, वो हम लोग BC और AD में पढ़ते हैं नॉर्मली। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा BC एंड AD। BC मतलब हम लोग बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब है आफ्टर
उसका फुल फॉर्म थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज का है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बीसी सुना है हम लोगों ने, एडी सुना है हम लोगों ने, यहाँ बीसीई लिखा हुआ है, 130 बीसीई। ये फैक्ट याद रखना होगा कि हान डायनेस्टी जो है चाइना में, जो 130 बीसीई में रूल करता था, विच लिंक्ड द रीजन्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड इन कॉमर्स बिटवीन 130 बीसीई टू 1453 सीई। अब यहां देखो, एक टर्म यूज हुआ बीसीई और एक टर्म यूज हुआ सीई, जबकि हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, बीसी एंड एडी। तो ये बीसीई और सीई ये क्या है, इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ये देखो, बीसी बीसीई एंड एडी सीई टर्म्स ये क्या है। यहां देखो, बीसी जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब इसी को इक्वल टू कर दिया है कि बीसी को ही बोला जाएगा बिफोर कॉमन एरा। ये वर्ड एरा वर्ड का मतलब अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता दूं, हिंदी वर्ड बहुत अच्छा और इजी वर्ड है इस एरा का। इसका मतलब हिंदी में होता है युग, बोलते हैं ना, एक युग बीत गया, उसको एरा बोलते हैं। तो बीसी के जगह पर, बिफोर क्राइस्ट के जगह पर क्या यूज हो रहा है, बिफोर कॉमन एरा। सेम है मीनिंग, लेकिन टर्म्स अलग यूज कर रहे हैं। बीसीई टर्म्स याद रखना, ये भी टर्म जो है ये आपको डिस्टिंक्ट करेगा बाकी लोगों से, बाकी आंसर्स से। बी सी ई का मतलब याद रखना, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और बोला 130 बी सी ई से में हान डायनेस्टी था, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो यहाँ से ये यह हो गया 500 बी सी ई, तो यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ हमारा कहीं मिलेगा 130 बी सी ई, और वहाँ से कहाँ तक, वन कहाँ तक बताया था, 1543 आई थिंक ऐसा ही कुछ था, हाँ सॉरी 1453 सी ई तक। अब सी ई देखो, यहाँ सी ई ये रहा, सी ई का मतलब क्या है, कॉमन एरा। देखो कॉमन एरा यहां भी है, कॉमन एरा यहां भी है। इजी याद रखना है कि खाली बी लग गया मतलब बिफोर कॉमन एरा, और जिसका मतलब हम लोग जनरली बिफोर क्राइस्ट बीसी, और सीई जो लिखा हुआ है 1453 सीई, तो इसका मतलब हो गया 1453 एडी, जिसको एनो डोमिनी बोलते हैं, और हम लोग समझने के लिए उसको समझते हैं आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के डेथ के बाद फिर यहां से शुरू हुआ एडी। तो इसका इतिहास को अब तुम अगर देखो, लेंथ को, बिफोर क्राइस्ट 130 बीसीई, उस समय ये डिफरेंट रूट्स जो हैं वो लिंक किए जा रहे थे एक साथ, ट्रेड रूट बनाया जा रहा था चाइना में हैन डायनेस्टी के समय।
हैन डायनेस्टी जो है ना, अब ये चाइनीज़ है तो चाइनीज़ हिस्ट्री है तो उतना हम लोग को उससे मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, आई एम नॉट श्योर, बट हैन डायनेस्टी का सबसे बड़े अचीवमेंट में से ना एक अचीवमेंट था पेपर, मतलब वो लोग डिस्कवर किया था शायद, मुझे कहीं लगता है कि मैंने पढ़ा है कि हैन डायनेस्टी में के दौरान ही वो उनका अचीवमेंट है कि पेपर उन्होंने मतलब डिस्कवर किया था, पेपर बनाया था सबसे पहले, पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं कागज़, यह हैन डायनेस्टी में ही हुआ था। तो उसका ये देखो BC और AD को BCE और CE में लिखा जाता है। अब इसका मीनिंग तुम समझ लेना कि इधर बिफोर क्राइस्ट, इधर AD है, बस कॉमन एरा बोला गया है, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। तो ये BCE और CE के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये जो हान डायनेस्टी था ये 130 BCE से 1453 BCE तक सिल्क, एंशियंट सिल्क रोड 1453, मतलब अगर सेंचुरीज़ की हम बात करें, बोलते हैं ना 19th सेंचुरी वगैरह वगैरह, तो ये कौन सा सेंचुरी हुआ? 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी मतलब AD में, और शुरू कब से हुआ था? BC में, 130 BC में। तो कितना लंबा समय एग्जिस्ट किया ये सिल्क रोड, ये फैक्ट याद रखना। द सिल्क रोड वॉज नॉट अ सिंगल रूट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मैंने आपको सिल्क रोड का वो एक मैप दिखा करके, और वैसे भी मैंने आपको वीडियोस में, लेक्चर्स में बोला है कि सिल्क रोड जो है वो ईस्ट, इस वर्ल्ड में ईस्ट से वेस्ट को जोड़ता था। ये बड़ी बात है अपने आप में। तो यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है कि ये कोई एक सिंगल रोड नहीं था जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता था, मल्टीपल रूट्स थे, और इसीलिए कुछ इतिहासकार, कुछ हिस्टोरियंस सिल्क रोड ये नाम से मतलब सहमत नहीं होते हैं कि सिल्क रोड करने से हो जाता है कि एक सिंगल रोड, बट इट वॉज नॉट अ सिंगल रोड, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रूट्स। तो यहां लिखा है कि हिस्टोरियंस जो हैं, क्योंकि सिल्क रोड एक सिंगल रोड नहीं था जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता था, तो हिस्टोरियंस जो हैं वो सिल्क रोड नाम के जगह पे क्या लिखना पसंद करते हैं? सिल्क रूट्स। दो, सिल्क रोड इज कॉमनली यूज्ड, कॉमन पीपल जो हैं वो सिल्क रोड वर्ड यूज करते हैं, पर जो हिस्टोरियंस हैं वो लोग सिल्क रोड से सहमत नहीं हैं, और उनका बहुत वैलिड पॉइंट है सहमत नहीं होने का, क्योंकि एक सिंगल रोड नहीं था, मल्टीपल रूट्स थे। तो हिस्टोरियंस किस नाम को फेवर करते हैं? सिल्क रूट्स। मगर कॉमन लोग किस नाम से उसको जानते हैं? सिल्क रोड।
जैसे हमारा टाइटल सिल्क रूट्स तो नहीं है, सिल्क रोड है। तो ये सिल्क रोड का कुछ फैक्ट है जिसमें तुमको हैन डायनेस्टी के बारे में याद रखना है, और जो ईयर जो दिया हुआ है ना उसको याद रखना है, ठीक है, इसको भी और इसको भी। और ये बात याद रखना है कि हिस्टोरियंस कौन सा नाम को फेवर करते हैं और क्यों, इतना आपको इस पैराग्राफ से याद रखना है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।